शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था वो, और उन शासकों में से एक था जिसने दिल्ली की नींव मजबूत करी। उसने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। मेहरौली के कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर इस मकबरे को काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनवाया गया था। आखिर क्यों इल्तुतमिश ने अपने मरने के 2-3 साल पहले ही अपने वसीयत में लिख दिया था कि मुझे मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार के पास ही दफनाना। अगर आप बिल्कुल सीधे देखेंगे सामने बिल्कुल कब्र बनी हुई है, उसके ठीक नीचे ही। तो फाइनली दोस्तों हम कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे इल्तुतमिश उनके मकबरे के पास में आ चुके हैं। और मैं आपको बताता हूँ ये जो दोस्तों ये बिल्कुल संगमरमर के पत्थर से इसको बनवाया गया है। तो इल्तुतमिश ने दोस्तों अपने मरने से कम 1.5-2 साल पहले इस कब्र को बनवा दिया गया था। उसने एक वसीयत करी थी कि अगर मैं मरता हूँ दिल्ली शहर में, मैं किसी भी तरीके से मरता हूँ, चाहे युद्ध में मरूँ चाहे बीमारी से मरूँ, मुझे दफनाना इसी जगह पर। रीज़न क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके पास में कुतुब मीनार बनवाई थी, तो आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन रहे, इसीलिए उन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि मैं यहाँ पर मरूँ और मुझको यहीं पर दफना गया। अब उनको मरने के बाद कहाँ दफना गया था, ये जो है एक सेपरेट कबर नहीं, मतलब एक कबर है, डमी कबर है, इसके नीचे उनको दफनाया गया था। कहाँ से दफनाया गया था मैं आपको वो जगह लेके चलता हूँ, आइए। तो ये वो जगह है दोस्तों, अगर आप सेपरेट बिल्कुल सीधे देखेंगे सामने बिल्कुल कब्र बनी हुई है, उसके ठीक नीचे ही इल्तुतमिश को दफनाया गया था। ये आप देख रहे हो जाल है, जाल को इसको कवर कर रखा है और इसके ऊपर ही कब्र हुआ करती थी, मतलब इसके ऊपर से कब्र बना रखी है और इसके नीचे दफनाया गया था। अब मैं आपको इसके पीछे का एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे इल्तुतमिश के जनाजे की नमाज पढ़ाई गई थी, और आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे उसके मरने के बाद उस गेट को बंद कर दिया गया था, आइए। तो अब मैं आ चुका हूँ दोस्तों इल्तुतमिश का जो मकबरा है उसके ठीक पीछे आ चुका हूँ, और आप ये देख रहे होंगे गेट ये बंद क्यों हुआ है। यहाँ पे पहले गेट हुआ करता था लेकिन अब इसको बंद कर दिया, क्यों कर दिया गया है। रीज़न ये है, रज़िया सुल्ताना जो इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी, उन्होंने सोचा कि जनाजे की नमाज उनकी कहाँ पढ़ाई जाए। तब उन्होंने अपने अपने बड़ों से मशवरा करा और तब नतीजा ये निकला कि इस गेट को बंद कर देते हैं, जब बंद कर देंगे तो उसके अंदर ही जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी। तब इस गेट को बंद कर दिया गया। आप देख रहे होंगे अब भी जो पिलर है, थोड़ा थोड़ा ये पिलर आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और आपको कुछ कुछ हिस्ट्री इसकी और बताता हूँ। तो ये वो गेट है दोस्तों जहाँ पे जनाजे की नमाज पढ़ा गई थी। आप देख रहे होंगे कि ये गेट और ये गेट चारों गेट जो है वो एक से गेट है, लेकिन रज़िया सुल्तान ने फैसला करा कि जनाजे की नमाज को इसके इधर ही पढ़ाई जाएगी और इस कब्र को बंद कर दिया गया। आप देख रहे होंगे पीछे से ये जो पिलर है ऐसा ही पिलर दिख रहा था, पीछे से साइड से दिख रहा था, लेकिन उस गेट को बंद करने के बाद उन्होंने यहाँ की जनाजे की नमाज पढ़ाई। आप देख रहे होंगे दोस्तों ये जो इन्होंने बना रखा है पूरा संगमरमर से बना रखा है, लेकिन इस्लाम के अनुसार कब्र को इतना ऊंचा नहीं बनाया जा सकता है, बिल्कुल प्लेन कब्र को मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाते, इन्होंने काफ़ी ऊंचा बना रखा है। पहले के ज़माने में कुछ और रीति रिवाज हुआ करता था। तो आई होप दोस्तों आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।